हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर से स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम टॉपिक ले रहे हैं, द ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थ्योरम। तो मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, आपको इसको अच्छे से कम्प्लीट करके जाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताएगा नोट्स कैसे लगे, और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। ग्रुप का एवरी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड ऑर्थोगोनलिटी थ्योरम इस मैट्रिक्स के एलिमेंट से रिलेशन रखता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ग्रुप का एवरी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब कि देखिएगा, किसी भी ग्रुप को के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड ऑर्थोगोनलिटी थ्योरम इस मैट्रिक्स के एलिमेंट से रिलेशन रखता है, और ये क्या है, उससे ही रिलेटेड है, ठीक है, इसको कह रहे हैं। अब ईच एलिमेंट्स एक ही ग्रुप के समान या भिन्न मैट्रिक्स के साथ ऑर्थोगोनल होता है। क्या कह रहा है इसमें, जो कुछ एलिमेंट होंगे वो एक ही ग्रुप के समान या भिन्न मैट्रिक्स के साथ ऑर्थोगोनल होते हैं। अब किस तरह से होते हैं वो आगे समझ में आएगा हमको। इस कॉन्सेप्ट के बेसिक पर कैरेक्टर टेबल फॉर्म की जाती है, यानी कि अभी आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, यहाँ पर ऐसे मैट्रिक्स ग्रुप दिए जाते हैं, ठीक है, उनको उनके फॉर्म में इनको एलिमेंट्स को रखा जाता है। अब कैरेक्टर टेबल के फॉर्मेशन के लिए फॉलोइंग रूल कंसिडर किए जाते हैं, आगे देखेंगे। फर्स्ट है एनी ग्रुप में इनरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की संख्या ग्रुप में रिप्रेजेंट प्रेजेंट ऑपरेशन की क्लास की संख्या के समान होती है। सेकेंड नंबर में कह रहा है कि इनरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के डायमेंशन के वर्गों का सेम ग्रुप के ऑर्डर एन के इक्वल होता है, जैसे कि 2i+2 2 प्लस प्लस डैश डैश डैश, और ये क्या है, टू इंटीग्रेशन एच, ठीक है, बराबर एच। अब नोट यहाँ पे लिखा है कि इरिड्यूसिबल प्रेजेंटेशन का डायमेंशन आइडेंटिटी ऑपरेशन का कैरेक्टर होता है एक्स ई, और थर्ड नंबर में है इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर के वर्ग का सम ग्रुप के ऑर्डर बी के इक्वल होता है, जैसे कि ओमेगा एक्स आर स्क्वायर बराबर एच। फोर नंबर में है एक ही ग्रुप के इनरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल होते हैं इस तरह से, ठीक है, ये ओमेगा एक्स आई आर बराबर जीरो। तो यहाँ पे गाइस हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताएगा नोट्स कैसे लगे, और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।